अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश से बाइक वाले बाबा जी अयोध्या पहुंचे, जिनसे हमारे संवाददाता सुबोध श्रीवास्तव ने बातचीत की। आइए देखते हैं अयोध्या से खास रिपोर्ट। जिस तरह से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करी तैयारी यानी अभी कल होने वाला है, ऐसे में भक्तों का आगमन जारी है। पैदल से हो, बाइक से हो या किसी भी साधन से लोग अयोध्या राम की नगरी की ओर आ रहे हैं। और ऐसे में कह सकते हैं आप, ये एवेंजर गाड़ी से एमपी की गाड़ी है और ये वहाँ से चल कर आए हैं। और बाबा जी पूछेंगे कि आपका जो है यहाँ पर जिस तरह से अयोध्या में आए हैं, तो बाबा जी सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत करने वाले हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी, जो आपका सफर है कहाँ से शुरू हुआ और कितनी लंबा सफर है? आज से 4 साल पहले अयोध्या संकल्प लिया कि हम जैसे साक्षी है जनमानस को आमंत्रण देंगे। 2024 का महाराष्ट्र का सनातन धर्म का सम्मान प्राप्त हो रहा है हमारे प्रभु परमेश हमारे लिए। 21 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश से अयोध्या जी का ये आमंत्रण रथ तैयार करा। ज्योतिर्लिंग 4 धाम 7 सब युद्ध शक्ति 25 राज्य करोड़ लोगों को अयोध्या जी का आमंत्रण बाबा की हिंदू देवी देवता के पटाखों पे, कपूर अगरबत्ती पे, चंदन की डब्बी पे देवी देवता के फोटो होते हैं जो उपयोग होने के बाद कचरे में जाते हैं, जिससे मेरे नहीं करोड़ों अरबों सनातन धर्म के लोगों की आस्था का अपमान होता है। क्या जरूरत है हिंदू देवी देवता के फोटो की? वीडियो माचिस कपूर। यानी आपका जो कहने का तात्पर्य है, जिस तरह से प्रभु श्री राम का हम अपवाद है, जिस तरीके से अयोध्या राम की नगरी में जहाँ प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है, ऐसे स्थान पर जो राम भक्तों का तांता लगा हुआ है, ऐसे में ये महात्मा जी यहाँ पर 2021 में यहाँ पर अयोध्या राम की नगरी में आए थे और एक एज अ टैक्सी ड्राइवर के रूप में आए थे और उसी डेट से इन्होंने संकल्प लिया कि मैं पूरी भारत का भ्रमण करके और अयोध्या श्याम जन्मभूमि आऊंगा। और आज ये क्षण और ये पल आ गया और ये महाराज जी बता रहे कि 1,00,000 किलोमीटर का सफर करके और अयोध्या राम की नगरी में पहुंचे हुए हैं। तो महाराज जी सबसे पहले पूछेंगे आपसे, नगरी के जो रास्ते पड़े होंगे, कई राज पड़े होंगे, तो ऐसे में कितनी तरह और मध्य प्रदेश से जब यात्रा आरम्भ करी तो वहाँ से हम चले। वहाँ से चलने के बाद बंगाल में सनातन धर्म के क्या सनातन धर्म का झंडा लेकर चलना गुना है? ऐसे में महाराज जी जो किस लोगों ने अपराध की बात की, तो कोई अपराध तो है नहीं। सनातन का अगर झंडा फहरा रहे हैं और प्रभु राम का नाम ले रहे हैं तो इसमें कोई नाम नहीं है। चलिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कई राज्यों का प्रयोग किया, ऐसे में बंगाल में आपको जो समस्याएं चल रही है और ऐसे में जब आप अयोध्या की तरफ यानी प्रदेश के अंदर जब आपने प्रवेश किया, तो ऐसे में क्या आपको प्रदेश के अंदर आपके उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, प्रदेश में योगी बाबा की जय। योगी बाबा ने सनातन धर्म को मानवता को जिस तरह प्रभु श्री राम जी का नाम है पुरुषोत्तम, उसी तरह उत्तर प्रदेश में योगी जी ने मर्यादित काम किए। सारे गुलाल जनमानस का प्रेम सहयोग उनके पास है। हम सब चाहते हैं कि योगी जी दिल्ली की तरफ से बैठे। अच्छा, 2021 में जब आप अयोध्या नगरी में जब आप आए थे महाराज जी, जिस तरह से आप अयोध्या राम की नगरी में आए थे 2021 में और आज आप यहाँ पर आ रहे 24 में आ रहे हैं, तो ऐसे में कितना बदलाव देखा होगा आपने? जब हम आए थे 500 साल की एक काली रात अमावस्या की थी, और आज हम जब आए हैं एक प्रकाश प्रकाश आया है। आज ये अयोध्या जी अयोध्या जी नाम होते हुए राम भक्त
हम सभी के पास शब्द नहीं है कि किस तरह हम हमारी खुशी का हमारे जीवन के हमारे सनातन आस्था का संविधान प्राप्त हुआ है। ये आधार को अभी तो अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। क्या बात है, अभी देखा आपने जिस तरह से प्रभु शांत है और इस तरीके से पूरे अयोध्या आज अयोध्या की बात करेंगे तो यहाँ पर पूरन सच की है और प्रभु श्री राम जिस तरह से कण कण में व्यापक है और ऐसी बातों से जिस तरह से पूरी अयोध्या राममय हो गई है। मैं सुबह त्रिमास्तो, ईपी पांच चैनल अयोध्या से।